from the top. And I'm hating the slack, couple miles further round with the hate in the cap. सो क्लासेस वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि क्लासअप क्लान में एक नया चैलेंज आ चुका है जिसका नाम है शैडो चैलेंज। और इस चैलेंज पर आप किस तरीके से इजीली 3 स्टार करेंगे उसके बारे में बात करेंगे और सीधा लाइव अटैक देखेंगे। मैंने इसको 3-4 बार पहले अटैक किया, उसके बाद मुझको यहाँ पर 3 स्टार मिला। तो चलिए इसका जो अटैक है उसको देख लेते हैं। और शैडो सीनरी भी आ चुका है जिसका गिव अवे हम कल के वीडियो में करेंगे, तो पहले आज का अटैक देख लेते हैं। और इजीली आपको इसी तरीके से बिल्कुल भी 3 स्टार मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो वार्डन है उसको आप ग्राउंड में रखिए और सीधा वर्कशॉप के पास आपका क्वीन चार्ज शुरू कीजिए। और जो स्नैकी गोब्लिन है उसको यहाँ पर जो इलिक्जर कलेक्टर है उस पर डालिए। और यहाँ पर हम जो हिडन टेस्ला है उसके ऊपर हम 3 बैलून डाल देंगे और हमारा जो बैटल बिम्प है उसको भी छोड़ देंगे। और जब बैटल बिम्प ईगल कंपार्टमेंट में आएगा तो हम एक रेज का यूज़ करेंगे और उसको ईगल के ऊपर फोड़ देंगे। और सीसी भी यहाँ पे हमारा निकल चुका है और यहाँ पे क्वीन भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी पॉइजन का यूज़ नहीं करेंगे, जब हमारा जो सीसी है वो जब क्वीन की ओर जाएगा तो पॉइजन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने क्वीन के ऊपर एक रेज स्पेल यूज़ कर दिया और यहाँ पे हम हमारा जो पॉइजन स्पेल यूज़ करेंगे और हमारा जो मिनियन है उसको डालेंगे। और हमारा जो किंग है वो यहाँ पे जो आर्चर टावर है यहाँ पे हमारा जो किंग यहाँ पे आएगा और वार्डन भी आएगा और हमारा जो रॉयल चैम्पियन है वो उसको भी डाल देंगे। और हमारा जो सुपर वॉल ब्रेकर है ये 2 साइड से डालेंगे ताकि हमारा जो हीरो है वो अंदर तक घुस जाए। और हम अभी वेट करेंगे यहाँ पे जो हीरो जिधर है वहाँ पे एक स्केटल शॉट है, हम वेट करेंगे जब स्केटल शॉट डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद हमारा जो सारा का सारा हॉग राइडर है उसको डाल देंगे। और यहाँ पे स्केटल शॉट अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अभी हमारा जो सारा का सारा हॉग राइडर है उसको छोड़ देंगे यहाँ पर। और जितने भी हमारे पास हेड हंटर है उसको भी छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमने अभी किंग की एबिलिटी यूज़ करेंगे और टाउन हॉल के ऊपर एक फ्रीज स्पेल का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो हॉग राइडर है उनके ऊपर ज़्यादा डैमेज ना पड़े। और रेज स्पेल का भी यूज़ कर देंगे और यहाँ पे हम वार्डन की एबिलिटी दे देंगे जब टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होगा। और एक हीलिंग स्पेल का भी यूज करेंगे और इस साइड से क्वीन भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे हम किंग के ऊपर एक इनवी स्पेल का यूज़ करेंगे क्योंकि किंग बहुत ही डैमेज हो रहा है। और हमारा जो लास्ट रेज स्पेल है उसको हम हॉग राइडर जहाँ पे सिंगल इन्फर्नो टावर है उसके ऊपर एक रेज स्पेल का यूज़ करेंगे। और हमारे पास अभी बचा हुआ है कुछ बैलून्स और विजार्ड भी बचे हुए हैं जिसको हम इस साइड से छोड़ देंगे। और कुछ गब्लिन्स भी बचे हुए हैं और कुछ आर्चर भी बचे हुए हैं, सबको डिप्लॉय कर देंगे। तो ये तरीका मुझको बहुत ही इजी लगा और मैंने इस बेस पर 3-4 टाइप के अटैक किए लेकिन ये तरीका मुझको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरीके से अटैक कीजिए और बिल्कुल ही ईजी तरीके से आपको यहाँ पर 3 स्टार मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।